हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ एक रेयर रेसिपी जो है खीमा मैगी। मैगी तो आपने खाई होगी, कभी खीमा मैगी ट्राई करें और ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर, 50 ग्राम्स खीमा जिसे मैंने एक कप पानी, पाव टी स्पून नमक डालकर कुकर में दो विजिल आने तक पकाया है, पाव टी स्पून हल्दी, दो टेबल स्पून हरा धनिया, आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, दो टेबलस्पून ऑयल, आधा टीस्पून नमक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। पैन में तेल ले, प्याज हरी मिर्च डालकर अच्छे से भुने। हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर रॉस मिल जाने तक अच्छे से भूने। अब टमाटर डालें। नमक, लाल मिर्च, खीमा डालकर अच्छे से मिक्स करें और दो ग्लास पानी डाल लें। एक प्लेट में दो पैकेट मैगी लें और टू हाफ्स में क्रश कर लें। अब बॉईल होते हुए ग्रेवी में मैगी डालें। मैगी मसाला हाफ कप पानी डालकर 3 से 4 मिनट के लिए ढक दे। 4 मिनट हो चुके हैं। अगर आप सूपी मैगी चाहते हैं तो अभी फ्लेम बंद कर दे या और 2 मिनट के लिए पकाएं। हरा धनिया डाल दें। हमारी खीमा मैगी रेडी है। फ्लेम बंद कर दे और डिश आउट कर ले। अक्सर लोगों को मिडनाइट स्नैक खाने की आदत रहती है, उन लोगों के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। नूडल्स एक कॉमन रेसिपी है, मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।